दोस्तों इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे 5 मैचों की T20 सीरीज का तीसरा मुकाबला बुधवार 10 जुलाई को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा। सीरीज इस वक्त रोमांचक मोड़ पे है क्योंकि जिम्बाब्वे ने पहले मैच में टीम इंडिया को 13 रनों से हराया था, लेकिन दूसरे मैच में शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम ने कमबैक किया और 100 रनों से मुकाबला जीता। भारतीय टीम ने न सिर्फ पहली हार का बदला लिया बल्कि सीरीज को इंटरेस्टिंग भी बना दिया। अब सीरीज 1-1 की बराबरी पे खड़ी है और तीसरा मुकाबला 10 जुलाई को हरारे में होने वाला है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तीसरे मुकाबले के लिए इंडिया वर्सेज जिम्बाब्वे मैच के लिए हरारे का पिच रिपोर्ट कैसे होने वाली है, मौसम का हाल कैसा रहेगा, कहीं बारिश मैच में विलेन तो नहीं बनेगी, साथ ही दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या कहता है और दोनों टीमों का पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, खासतौर पे टीम इंडिया की क्योंकि बड़ी माथापेची होने वाली है। टीम इंडिया के स्क्वाड में संजू सैमसन जुड़ गए हैं, यशस्वी जायसवाल जुड़ गए हैं और शिवम दुबे की एंट्री हो चुकी है, यानी कि वाकई में प्लेइंग 11 में बहुत बदलाव होने की संभावना है। सब कुछ बात करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि क्रिकेट से जुड़ा हर अपडेट आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे तीसरे T20 मैच की पिच रिपोर्ट की बात करें तो हरारे स्पोर्ट्स क्लब की पिच गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों के लिए मददगार होती है। शुरुआत में विकेट से पेसर्स को मदद मिलती है, लेकिन जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता है स्पिनर हावी हो जाते हैं। पहले बैटिंग करने वाली टीम का औसतन स्कोर 156 का रहा है। आपको बता दें कि हरारे में अब तक कुल 52 T20 मैच खेले गए हैं, जिनमें 31 बार बैटिंग करने वाली टीम को जीत मिली है और 20 मुकाबले टारगेट को पीछा करने वाली टीम ने अपने नाम किए हैं। जो पहला T20 मैच खेला गया था वहां पर भी टीम इंडिया ने रनों के लिए स्ट्रगल करती नजर आई थी, टारगेट का पीछा भी नहीं कर पाई, लेकिन दूसरे मैचों में टीम इंडिया ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। युवा खिलाड़ी ने दमखम दिखाया और स्कोर बोर्ड पे 234 रन लगा दिए। जिम्बाब्वे की टीम की हालत खराब हो गई थी और 134 रन पे जिम्बाब्वे ऑल आउट हो गया था। भारत ने आसानी से वो मैच जीता और जो आंकड़े भी कह रहे हैं कि टारगेट का पीछा करने वाली टीमों को यहाँ पे कम सफलता मिलती है, लेकिन जो पहले बैटिंग करते हैं उनको अधिक सफलता मिलती है। पहला मुकाबला और दूसरा मुकाबला पहले बैटिंग करने वाली टीम ने ही जीता था, यानी कि तीसरे मैच में शुभमन गिल या फिर सिकंदर राजा जो भी टॉस जीतेगा उसके दिमाग में यही रहेगा कि पहले बल्लेबाजी की जाए और आधे से ज्यादा मुकाबला अपने फेवर में कर लिया जाए, यानी कि पिच रिपोर्ट बल्लेबाजी के लिए फेवरेट हो सकती है। तेज गेंदबाजों और स्पिनर की जलवा भी देखने को मिलेगा। टॉस जीतो और पहले बैटिंग करो, पिच रिपोर्ट का सिंपल सा फंडा यही कहता है। बात अगर वेदर की करे तो बारिश की बिल्कुल भी संभावना नहीं है, ऐसे में साफ आसमान में 26 से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। हवा 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है और ह्यूमिडिटी 19-40% तक रह सकती है। बारिश की कोई भी संभावना नहीं है, मुकाबला पूरा 40 ओवर का देखने को मिलेगा, लेकिन चौके और छक्कों की बारिश होगी। भाई जिस टीम में रिंकू सिंह हो, जायसवाल हो, संजू सैमसन हो, अभिषेक शर्मा हो, शुभमन गिल हो, चौके छक्के कैसे नहीं लगेंगे, चौके छक्के की तो जबरदस्त बारिश होने वाली है। अब अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो T20 इंटरनेशनल के हिस्ट्री में इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच अब तक कुल 10 मैच खेले गए हैं। 7 मैच भारत ने जीते हैं तो जिम्बाब्वे ने वही 3 मुकाबला जीते हैं, लेकिन जिम्बाब्वे को आप हल्के में बिल्कुल नहीं ले सकते हैं, खास तौर पे जब आप जिम्बाब्वे के धरती पे खेल रहे हो, क्योंकि पहले मैच में जिम्बाब्वे ने इंडिया को चारों खाने चित कर दिया था, यानी कि जिम्बाब्वे को बिल्कुल भी हल्के में आका नहीं जा सकता है। बात अगर दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 की करें तो सबसे पहले नजर डालते हैं मेजबान टीम जिम्बाब्वे की पॉसिबल प्लेइंग 11 पे। तो वेस्ली माधवेरे, इनोसेंट इकाइया, ब्रायन बेनेट, सिकंदर राजा कैप्टन, डायोन मारियस, जॉनथन कैपलेब, क्लाइव मंदाडे विकेट कीपर, वेलिंगटन मस्क जदा, लुको जोंगवे, ब्लेसिंग मुजरवानी, टिंडई चतरा। जिम्बाब्वे की प्लेइंग 11 में बदलाव की संभावना बहुत कम नजर आती है। हालांकि दोनों मैचों में पहले और दूसरे T20 मैच में इस टीम की बल्लेबाजी ने टीम को दगा दिया है, बल्लेबाजी स्ट्रगल करती हुई नजर आई है, कप्तान सिकंदर राजा का बल्ला बिल्कुल नहीं चला। हालांकि जिस तरीके से बल्लेबाजी माधवेरे ने की है, इस टीम के लीडिंग रन स्कोरर है, 64 रन बना चुके हैं। आज टीम की अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही है, लेकिन दूसरे मैच में तो गेंदबाजों को भी काफी अच्छी खासी पिटाई हुई थी। चितारा और मुजरवानी के खाते में 3-3 विकेट है। सिकंदर राजा अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन टीम के बाकी खिलाड़ियों को भी अब मोर्चा संभालना पड़ेगा। अगर भारत के खिलाफ सीरीज अपने नाम करनी है तो इनोसेंट का या ब्लेसिंग मुजरवानी, चातरा, इन सभी प्लेयर्स को अब दमखम दिखाना है, क्योंकि ये बड़े नाम है और लगातार T20 क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, क्रिकेट में लगातार एक्टिव है, फ्रेंचाइजी क्रिकेट भी काफी खेलते हैं। इन प्लेयर्स को अब दमखम दिखाने की जरूरत है अगर टीम इंडिया के खिलाफ इनको तीसरा मैच जीतना है तो, क्योंकि जिम्बाब्वे के लिए बहुत सुनहरा मौका है, क्योंकि इस सीरीज में ना विराट है, ना रोहित है, ना सूर्या है, ना पंत है, ना हार्दिक है, ना बुमराह है, इससे बढ़िया मौका जिम्बाब्वे के पास नहीं हो सकता है। लेकिन जब तक टीम में यूनिटी देखने को नहीं मिलेगी, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आएगा तीनों डिपार्टमेंट में, ये इंडियन टीम को नहीं हरा सकते हैं। बात अगर इंडियन टीम की पॉसिबल प्लेइंग 11 की करे तो भाई
इंडियन टीम की प्लेइंग 11 में काफी ज्यादा बदलाव नजर आता है। शुभमन गिल कप्तान, अभिषेक शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़ या यशस्वी जायसवाल में से शायद कोई एक खेले। संजू सैमसन विकेट कीपर, रियान पराग, शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर, रिंकू सिंह, रवि बिश्नोई, मुकेश कुमार और आवेश खान। प्लेइंग 11 में संजू सैमसन की वापसी हो सकती है। उनको ध्रुव जिरेल की जगह विकेट कीपिंग करते आप देख सकेंगे। साई सुदर्शन की जगह, जिनको दूसरे मैच में खेलने का मौका मिला था, डेब्यू हुआ था लेकिन बैटिंग नहीं आई। शिवम दुबे वापसी कर सकते हैं लेकिन ओपनिंग को लेकर पेच फंसा हुआ है। पेच इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि पहले मैच में भले ही डक पे आउट हुए थे अभिषेक शर्मा, लेकिन दूसरे मैच में 46 बॉलों में उन्होंने शतक ठोका था, अच्छी बल्लेबाजी की थी। अब 8 छक्का लगाने वाले प्लेयर्स को, 46 बॉलों में शतक ठोकने वाले प्लेयर्स को आप बाहर तो नहीं बैठाएंगे। शुभमन गिल दोनों मैचों में फेल दिखे, हालांकि दूसरे मैचों में कप्तानी अच्छी की, लेकिन बतौर बल्लेबाज वो भी अभी तक फेल रहे हैं। अब क्या शुभमन गिल नंबर 3 पर खेलेंगे या ऋतुराज गायकवाड़ ड्रॉप होंगे या फिर यशस्वी जायसवाल को यहां फिट किया जाएगा? क्या यशस्वी जायसवाल बेंच पे बैठेंगे? कई सारे सवाल है क्योंकि ओपनिंग को लेकर टॉप ऑर्डर को लेकर एक बड़ा पेंच फंसा हुआ है कप्तान शुभमन गिल के लिए और कोच वीवीएस लक्ष्मण के लिए और टीम मैनेजमेंट के लिए। इसको कैसे सॉर्ट आउट करें? हालांकि हेल्दी कंपटीशन है क्योंकि टीम इंडिया के पास युवाओं की भरमार है। कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा ये टॉस के टाइम पता चलेगा। लेकिन टीम में संजू सैमसन की वापसी हो रही है, T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में टीम के साथ थे, वर्ल्ड कप चैंपियन है। हालांकि खेलने का मौका नहीं मिला था लेकिन IPL में उनके बल्ले से करीब 555 रन देखने को मिले थे, अच्छी कप्तानी की थी, यानी कि मिडिल ऑर्डर में एक अनुभवी नाम अब जुड़ने वाला है। शिवम दुबे जो कि वर्ल्ड कप खेल के आ रहे हैं, फाइनल में कैमियो पारी खेली थी, इनको स्टार्टिंग में काफी ट्रोल किया गया था लेकिन उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने गियर चेंज किया है, टीम के लिए अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नजर आए हैं। शिवम दुबे का एक्सपीरियंस भी टीम को बहुत काम आ सकता है। मुकेश कुमार, रवि बिश्नोई जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं, रवि बिश्नोई ने तो 6 विकेट ले चुके हैं, मतलब जिस तरीके का परफॉर्मेंस उनका पहले 2 मैचेस में देखने को मिला है वो काबिले तारीफ है। आवेश खान ने प्रभावित किया है, उनके खाते में विकेट्स है, यानी कि टीम इंडिया बिल्कुल सॉलिड नजर आ रही है। रिंकू सिंह दूसरे मैच में 48 रनों की दमदार पारी खेले थे। भारतीय समय अनुसार यह मुकाबला 10 जुलाई को 4:30 बजे खेला जाएगा। मुकाबला आप इसे OTT प्लेटफॉर्म पे देखना चाहते हैं तो फैनकोड एप्लीकेशन पे देख सकते हैं, और फ्री में इस मुकाबले को देखना चाहते हैं तो DD स्पोर्ट पर देख सकते हैं। दोस्तों, आज के मुकाबले में कौन सबसे ज्यादा रन बनाएगा कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।